दैनिक भास्कर की ओर से हर साल गरबा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, मगर बीते दो सालों से कोरोना के कारण ये गरबा महोत्सव नहीं हुआ था। इस साल सभी रुकावटें दूर होने के बाद दैनिक भास्कर गरबा महोत्सव होने जा रहा है। आगामी 1 तारीख से शहर के कस्तूरचंद मैदान में ये महोत्सव होने जा रहा है। महोत्सव के पहले भास्कर की ओर से गरबा प्रेमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। शहर के भोसले सभागृह में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यहाँ आने वाले सभी प्रशिक्षण में शहर के भोसले सभागृह में ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले सभी प्रशिक्षणार्थियों में एक उत्साह और उमंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे बहुत अच्छे से खुल के सिखाते हैं और सारी स्टेप्स एक एक स्टेप समझ में आती है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, तो फिर बहुत अच्छा तरीके से सीखने मिलता है और मज़ा भी आती है खेलने में। दो साल के बाद कोविड के बाद नवरात्रि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया है। दो साल के बाद फिर से नवरात्रि वापस आ गया, फिर से ग्राउंड में नवरात्रि में गरबा खेलने मिलेगा और दो साल ऐसे कोविड में चले गए तो उसके वजह से कुछ गरबा या नवरात्रि कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, पर इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा उत्साह है इस बार की नवरात्रि में। और दैनिक भास्कर तो वैसे हर साल होता है पर दो साल नहीं होने के कारण इस बार हो रहा है, तो कोविड से ज़्यादा कोविड के बाद जो हो रहा है नवरात्रि, तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा उत्साह भरा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शायद ये दो ढाई साल में लोगों ने बहुत ज़्यादा वेट किया है इस गरबा नवरात्रि के लिए और जैसे जैसे सारे इवेंट्स हो रहे हैं उसके हिसाब से इस नवरात्रि में बहुत ज़्यादा धूम मचने वाली है। अब हम लोग खुद 15 साल से इस दैनिक भास्कर के गरबा में आ रहे हैं और यहाँ के जो डांसेस है, जो प्रैक्टिस होती है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो शायद बाकी इसमें नहीं है। और यहाँ एक परिवार जैसा हो जाता है, यानी हम जब आते हैं तो ये जो सर लोग हैं ये हमारे एक परिवार का हिस्सा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गरबा खत्म हो जाए तो हम इनसे कॉन्टैक्ट में नहीं रहते या बात नहीं करते, वो साल भर हम उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। वो हमको नई नई चीज़ सिखाते हैं कि इस साल हम कुछ नया करेंगे, अगले साल कुछ नया करेंगे, तो 17-18 साल से हम कंटिन्यू आ रहे हैं और हम मुझे नहीं लगता कि यहाँ आने का हमको और जाने की ज़रूरत है। गरबा मुझे दैनिक भास्कर में जो गरबा है वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है नागपुर में।